हेलो फ्रेंड्स मैं सोनीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या करें जिसे लड़की आपकी हर बात आराम से मान लें तो आई वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स देखो ऐसा बहुत बार होता है या ऑलमोस्ट लड़कों की ख्वाहिश भी होती है सपना भी होता है कि लड़कियाँ उनकी हर बात माने जिस भी लड़की को चाहते हैं जिस भी लड़की से वो कनेक्ट होते हैं जिस भी लड़की से उनकी बातचीत होती है चाहे यहाँ तक कि जिन लड़कों की गर्लफ्रेंड भी होती है वो लड़के भी यही चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उनकी हर बात माने जैसा भी वो चाहते हैं जैसा भी वो करने के लिए बोलते हैं चुपचाप बिना किसी बहस के बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उनकी बात मान लें बट ऐसा होता तो नहीं है लड़कियाँ तो लड़कियाँ नखरे तो दिखाएंगी ठीक है क्योंकि ये उनका नेचर हो

करना होगा भरोसा जीतना होगा ये बहुत जरूरी होता है बेशक लड़की से लड़की आपसे बातें करती है आप दोनों अच्छे से बात करते हो बट जब तक लड़की को आप पर भरोसा नहीं हो जाता कि आप एक अच्छे इंसान हो या आप हमेशा उसका भला चाहते हो या उसके साथ के साथ रहते या फिर आपकी बात मानने पर उसका कोई भी बुरा नहीं होगा तब तक वो आपकी बात नहीं मानेगी तो इसीलिए ना आपको उस लड़की का भरोसा जीतना है ट्रस्ट जीतना है अब भरोसा आप कैसे जीत सकते हो भरोसा जीत सकते हो इस तरह से कि आप अगर लगता है कि लड़की बहुत ज़्यादा सैड हो रखी है या फिर अपसेट हो रखी है तो उस जगह पे आप उसे मोटिवेट करो डीमोटिवेट लगती है तो वहाँ पे आप उसे इनकरेज करो या फिर उसकी बातों को अच्छे से सुनो उनकी बातों को इम्पोटेंस दो ठीक है उसकी बातों को यहाँ वहाँ मत उड़ाओ अगर वो कुछ बोलती है तो उनकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करो इससे क्या होगा कि लड़की को लगेगा कि आप उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हो इम्पोर्टेंस दे रहे हो या हमेशा जब आप उसे सपोर्ट करोगे मोटिवेट करोगे तो कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए भरोसा बढ़ने लगेगा भरोसा आप जी सकते हो और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो सकता है अगर लड़की के दिल में आपके लिए भरोसा हुआ तो उसे हमेशा यही लगेगा कि आप हमेशा उसका अच्छा सोचते हो हमेशा उसके साथ रहोगे तो इस तरह से लड़की आपकी हर बात मानने के लिए तैयार भी रहेगी अगला पॉइंट है तो दोस्तों लड़की आपकी हर बात माने बिना किसी बहस के आपका कहाँ मान ले तो उसके लिए आप ये काम भी कर सकते हो कि लड़की को ये दिलाओ ये एहसास कराओ कि आप हमेशा उसका भला चाहते हो या हमेशा उसके बेनिफिट्स की बात करो उसे उसके फ़ायदे दिखाओ अगर वो कोई भी काम करती है तो वहाँ पर उसके बेनिफिट बताओ कि अगर तुम ये काम करती हो तुम्हारा ये फ़ायदा हो जाएगा ठीक है तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा या फिर तुम्हारी मनी सेव हो जाएगी इस तरह से आप उसके फायदे उसको गिनवाओ कि ये काम करने से तुम्हारे ये बेनिफिट्स होने वाले हैं ठीक है क्योंकि लड़कियां ये तो आपको पता ही है थोड़ी सी कंजूस टाइप की होती हैं लेकिन वहीं पर जब आप उसके फायदे बताने लगोगे तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी उसे ये लगेगा कि बंदा ना मेरे फायदे के बारे में हमेशा सोचता रहता है ये ना हमेशा मेरे अच्छे के बारे में जानता है तो इस तरह से वो आपसे और भी ज्यादा आपके करीब आ जाएगी ठीक है ये काम आप कर सकते हो अगला पॉइंट यह है कि आप ना उसे हेल्प मांग सकते हो जी हाँ दोस्तों क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि आप हेल्प उसी बंदे की करते हो जिस पर आपको आपको यकीन होता है या जिस इंसान को तो आप अपना मानते हो ऐसे कोई भी इंसान किसी की हेल्प करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है बट जब लड़की से आप पर किसी भी तरह की मदद मांगते हो हेल्प मांगते हो चाहे वो आप सजेशन हो सकता है या फिर उसकी राय ले सकते हो कि ऐसा काम करना है तो मुझे प्लीज कुछ आइडिया दो क्या करूँ इस तरह से अगर आप उसे हेल्प मांगते हो तो कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन बढ़ेगा लड़की के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात आने लगेगी कि हमारा एक दूसरे में आपस में कनेक्शन है क्योंकि लड़कियों का क्या है उनका नेचर ये होता है कि वो ऐसे ही किसी भी लड़के के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करती किसी भी लड़के के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते कि जिसका बुरा होना है होने दो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है बट यहाँ अगर लड़की आपके भले के बारे में आपकी हेल्प करती है आपको आइडिया देती है तो इससे बहुत ज़्यादा असर होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके करीब आने लगती है तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे